और इजरायली फ्रूट्स का जो गाजा बॉर्डर के पास काफी ज्यादा एक्टिव हो गया है। कल लगातार जो बॉम्बिंग्स हो रही थी, बॉम्बिंग्स के बाद अब धीरे धीरे लैंड यानी कि जमीन से अगर गाजा के अंदर दाखिल होना होगा तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरा बिल्टअप हुआ है। और यहाँ पर देखने अलग अलग किस्म की आपको ये व्हीकल्स नजर आएंगी। ऊपर आप देख सकते हैं ये आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटेड ये सारे माउंट होते हैं, इसके अंदर आप अंदर ही बैठकर यहाँ पर गन्स फिट कर सकते हैं और उसके बाद कैमराज हैं जिसका इस्तेमाल हो सकता है और इसके अंदर जो है वो ट्रूप्स मौजूद रहती हैं। तो जब लैंड इन्वेजन होगा, ये जब गाजा के अंदर दाखिल होंगे, तब ये वाले जो आप देख रहे हैं ये टैंक्स, ये जो बख्तरबंद गाड़ियां सबसे काम आएंगी, क्योंकि इसके ऊपर आप देखिए कि ऑटोमेटिक गन्स लगे हुए हैं जिसका भी ढक्के रखा हुआ है। ये ऑटोमेटिक गन है, इस गन का इस्तेमाल अंदर बैठ के कर सकते हैं और अंदर यहाँ पर ट्रूप्स मौजूद रहते हैं। ऊपर वहां पर सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमराज लगे हुए हैं जो ड्राइवर्स हैं इनको आगे जाने में काफी मदद करते हैं। तो ये जो आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं, ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं, ये जो बख्तरबंद गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये जब गाजा के अंदर एंटर होंगे ये सबसे ज्यादा कारगर होंगे क्योंकि ये अर्बन वॉरफेयर के लिए करेंगे। तो ये जो यहाँ पर जो बिल्टअप है उससे साफ जाहिर है कि इस वक्त जो यहाँ पर इजरायली फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं लैंड इन्वेजन की लगभग तैयारियां पूरी कर, काफिला है उसमें अर्बन तो आप पर आप अंदर बैठ के आते हैं, हिट कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रूप्स में जो मौजूद है उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसी वजह से ये जो आप देख रहे हैं लंबा काफिला आपको नजर आ रहा होगा और ये देखिए दूसरी तरफ ये खेत है यहाँ पर और खेतों के पास से एक एक करके आप देखिए एक एक करके जो गाड़ियां आपको अब्राहम टैंक दिखाते हैं। देखिए जल्दी आइए अंदर, अब आपको हम दिखाते हैं यहां पर इसराइल और साथ ही इसराइल का सबसे घातक जो हम कह सकते हैं कि लैंड वेपन है जो जमीन पर है वो है अब्राहम टैंक्स, जिसको इसराइल ने आपको वो धुआं जो नजर आ रहा होगा वहां पर आगे गाजा पट्टी है तो गाजा पट्टी में लगातार हमले हो रहे हैं तो इसी वजह से ये धमाकों की आवाज आ रही है। तो यहाँ पर अब्राहम टैंक हम आपको दिखाते हैं कि अब्राहम टैंक जो है उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा जब वो अंदर दाखिल होंगे। आइए अब आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं क्योंकि ये जो आप इस तस्वीरें देख रहे हैं ये इसराइल और हमास के साथ जो लड़ाई है उसकी एक बिल्टअप की बहुत अहम तस्वीरें हैं जो आगे चलकर आप देख पाएंगे कि किस तरह से लैंड अटैक के लिए इस वक्त बख्तरबंद गाड़ियां, देखिए अलग अलग तरह की बख्तरबंद गाड़ियां यहां पर, छोटी गाड़ियां की छोटी छोटी गलियों में अगर जाने के लिए जो आपको छोटे छोटे यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां दिख रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियां हैं ये इस्तेमाल होंगी और बड़े बड़े जो यहां पर आपको दिख रहे हैं व्हीकल्स वो नजर आ रहे हैं जो बड़े चौड़ी जो सड़कें होंगी गाजा के अंदर वहां चलेंगी, छोटे गलियों के लिए छोटी छोटी गाड़ियां रखी गई हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको जो पूरा काफिला नजर आएगा वो ऐसे गाजा पट्टी जिस तरह का इलाका है बहुत ही घना इलाका है जहां पर बिल्डिंग्स है जो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जब अंदर जब जाएंगे तो ना रोड्स बहुत ज्यादा ठीक नहीं मिलेंगे इनको, साथ ही छोटी छोटी गलियां होंगी और साथ ही साथ खतरा रहेगा कि कहीं ना कहीं जो वहां के लड़ाके हमास के इनके ऊपर से हमले करेंगे। इसीलिए इस तरह के जो इन्फेंट्री ट्रूप कैरियर्स हैं उसका इस्तेमाल होगा और साथ ही यहां पर आपको जरा काफिला दिखाते हैं, अंदर आइए अब्राहम टैंक्स के, ये देखिए यहां पर आपको एक के बाद एक सारे अब्राहम टैंक्स की पूरे दस्ता नजर आएगा, एक दो तीन चार, यहां पर चार अब्राहम टैंक्स दिख रहे हैं और ठीक उससे पहले ये जो इन्फेंट्री कॉलम जा रही है तो ये कंप्लीट एक इन्फेंट्री कॉलम है जिसके अंदर ग्राउंड ट्रूप्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, इसमें इन्फेंट्री ट्रूप्स कैरियर्स हैं और साथ ही साथ यहां पर अब्राहम टैंक्स को भी यहां पर रखा गया है ताकि जब लैंड इन्वेजन होगा ये पूरा कॉलम अंदर होगा और पूरी तरह से वहां पर जो हमास है अगर वहां पर ग्राउंड में लोग मौजूद हैं तो उनको पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। तो अब्राहम टैंक्स की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त दुनिया के सबसे घातक टैंक्स में से एक माने जाते हैं, अमेरिका से ये लिए हुए हैं टैंक्स हैं जो इसराइल के पास हैं और इस वक्त अगर बात करें हमास टैंक्स, हमास के लिए जो टैंक्स हैं ये मौत बनकर साबित होंगे क्योंकि इनका इस्तेमाल चाहे वो इराक हो
चाहे अफगानिस्तान हो, हर एक जगह पे जहां पर हाल ही में लड़ाइयां हुई थी वहां पर अब्राहम टैंक्स ने अपना जो आप कह सकते हैं कि लोहा है वो मनवाया है। और एक बार फिर से यहां पर आपको अब्राहम टैंक्स ही पूरे के पूरे काफिले नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, गाजा इसराइल बॉर्डर। तो गाजा इसराइल बॉर्डर से तस्वीरें आपने देखी, मेरे सहयोगी अमित पालित ने आपको ये तस्वीरें दिखाई जहां पर टैंक पूरी तरीके से तैयार हैं, टैंक को तैनात कर दिया गया है। ग्राउंड अप जो लड़ाई होगी उसके लिए इन टैंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसराइल ने पूरी तरीके से ये ठान लिया है कि हमास को खत्म कर देना है, हमास को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देना है, और इसीलिए इसराइल की तरफ से लगातार जो टैंक्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं ताकि हमास को खत्म किया जा सके। इन्हीं तस्वीरों पर लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया टीवी।